हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप वीआई सिम के यूजर हैं? क्या आपके वीआई सिम में ओटीपी नहीं आ रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके वीआई सिम में ओटीपी ना आए तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो फिर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके वीआई सिम पर ओटीपी नहीं आता है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 2-3 सेटिंग ऐसे बताएंगे जिसे अगर आप इनेबल कर लेते हैं तो दोस्तों आपके वीआई सिम पर ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता लगाना है कि आपके वीआई सिम पर रिचार्ज है। जैसा कि कभी कभार क्या होता है कि दोस्तों आपके वीआई सिम में रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ऐसे में भी आपके वीआई नंबर पर ओटीपी नहीं आता है। फर्स्ट काम ये हो गया। सेकेंड काम आपको क्या करना है कि अपने फोन को कुछ देर के लिए फ्लाइट मोड में कर देना है। इस तरीके से आपको फ्लाइट मोड में करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको छोड़ देना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको इतना करने के बाद भी अगर आपके सिम पर ओटीपी नहीं आता है तो दोस्तों आपको सेटिंग के ऐप को ओपन करना है। सेटिंग के ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने सिम को सेलेक्ट कर लेना है जिस सिम पर ओटीपी नहीं आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों मेरे वीआई के सिम पर ओटीपी नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पर वीआई के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वोल्टी कॉल्स का। अगर दोस्तों आपका इस तरीके से ऑन नहीं होगा तो दोस्तों इसे क्लिक करके ऑन कर देना है। फर्स्ट काम ये होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परफेक्ट नेटवर्क टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए 2G ओनली कर देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद आपको परफेक्ट नेटवर्क टाइप पर क्लिक करके फिर से आपको 4G 3G 2G ऑटो वाले पे कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है एक्सेस पॉइंट नेम्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको सबसे लास्ट में ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है वोडाफोन MMS। उसके बाद दोस्तों आई का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आई के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वीआरआर का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपका फर्स्ट नंबर पे होगा टिक इस तरीके से, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर LTE इस तरीके से टिक कर देना है और फर्स्ट नंबर को अनक्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद दोस्तों राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक हो जाना है। इतना करने के बावजूद भी आपके वीआई सिम पर ओटीपी नहीं आता है तो दोस्तों आपको लास्ट काम ये करना है कि अपने फोन के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके थोड़ी देर रखना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिबूट या रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका फोन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ होगा, उसके बाद अपने आप ही ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका ओटीपी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपके वीआई सिम पर ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने वीआई के सिम पर ओटीपी नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही जानकारी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपको वीआई सिम से रिलेटेड कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।